मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। इसमें अपन ने देखा था नाउन, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट अपना जेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं जेंडर क्या होता है। जेंडर कोई भी चीज को दिखाने के लिए, जो ये दिखाने के लिए काम आता है कि जो चीज है वो मस्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक है। जो चीज है वो क्या है, मस्कुलिन है या फेमिनिन है। लिहाजा अगर कोई चीज क्या है, मेल है या फीमेल है, उनको बोलते हैं जेंडर, ठीक है। जेंडर अपने दो टाइप के जेंडर होते हैं, चार टाइप के जेंडर अपने होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन मस्कुलिन जेंडर। फर्स्ट क्या अपना मेल है, क्या है, मेल है, उसको बोलते हैं अपन मस्कुलिन, ठीक है। उसके बारे में ये बताते हैं कि इसका जेंडर क्या है, मेल है, तो वो मेल होगा तो किसमें आएगा, वो आएगा मस्कुलिन के अंदर, ठीक है। सेने रखना है फेमिन, फेमिन सेकंड इज फेमिन। ऐसे वर्ड जो हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो फीमेल है, तो उन वर्ड्स को अपन कहते हैं फेमिनिन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, फेमिनिन कहेंगे। वर्ड्स दैट टेल अस about a noun if the noun is female। ऐसे वर्ड जो हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो फीमेल है, उनको बोलते हैं अपन मस्कुलिन, फेमिनिन, सॉरी क्या बोलेंगे इनको, उनको बोलेंगे अपन फेमिनिन। ऐसे वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं, तो हमारे पास नाउन है उसके बारे में ये बताते हैं कि वो नाउन एक औरत है या फिर फीमेल है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं अपन फेमिनिन। थर्ड अपना जेंडर है कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉमन का मतलब यहाँ पर ऐसा है, अगर इसमें ऐसे वर्ड्स है जिनके बारे में हमें श्योरली नहीं पता कि वो फेमिनिन है या फिर मस्कुलिन है, तो ऐसे नाम को हम बोलेंगे कॉमन जेंडर, ठीक है। ऐसे जेंडर क्या बोलेंगे अपन, ऐसे जेंडर को अपन बोलेंगे कॉमन जेंडर, ठीक है।
नाउन टेक्स्ट डज नॉट क्लियरली दैट डज नॉट क्लियरली does not clearly tell whether it is masculine or feminine. Okay. The noun that does not clearly tell whether it is masculine or feminine. ऐसे नाउन जो हमें क्लियरली ये नहीं बताती है कि वो नाउन मस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, तो हम ऐसे नाउन का जेंडर होता है, किसका जेंडर होता है उसका, उसका जेंडर होता है कॉमन जेंडर. ठीक है, क्या होता है उसका कॉमन जेंडर. ऐसे बात करते हैं अपन इसका एग्जांपल लेते हैं. टीचर एग्जांपल लिया टीचर का, तो टीचर एक मेल भी हो सकता है एक फीमेल भी हो सकता है. ठीक है, ऐसे मान लो कोई अपने अपने किसी बात करी, एक बच्चे ने कहा माई टीचर इज गुड, लेकिन उसने ये नहीं बताया उसका टीचर मेल है फीमेल है, तब हम ऐसे सेंस के अंदर टीचर का जेंडर क्या लेंगे, कॉमन जेंडर लेंगे. ठीक है, क्यों कर लेंगे, क्योंकि उस बच्चे ने जो वर्ड काम में लिया टीचर, उससे हमें क्लियरली ही पता नहीं चला कि वो टीचर मस्कुलिन है या फेमिनिन है. ठीक है, ऐसे नाम को बोलते हैं अपन, ऐसे जेंडर को बोलते हैं अपन कॉमन जेंडर. ओके, let's forward to the next one, neuter. The fourth is neuter. 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 क्या होता है neuter gender? Neuter gender किसके लिए आता है? Neuter gender आता है non-living things के लिए आता है. ठीक है? The noun that tells about non-living things. ठीक है, वो noun जो non-living things के बारे में बताते हैं, उनका gender क्या होता है, neuter gender होता है. और and also shows that speaker has no interest, speaker has no interest or show any importance, show any importance in the particular noun. Neuter noun क्या होता है? The noun that tells about non-living things. ऐसे नाउन जो हमें non-living things के बारे में बताती है. ठीक है, जब कोई नाउन non-living things में आती है तो उस नाउन का जेंडर क्या होगा? Neuter gender होगा. और इसके अलावा क्या है? अगर यही नाउन हमें ये शो करती है, अगर यही नाउन हमें ये शो करती है जो जेंडर है, सॉरी जो स्पीकर है, स्पीकर की दृष्टि में, स्पीकर के नजरिए से उस नाउन का कोई महत्व नहीं है, तो भी वो नाउन का जेंडर क्या होगा? न्यूट्रल जेंडर होगा. क्लियर? ओके, बात कर ले कुछ ऐसी कुछ
कुछ भी मान लो, ठीक है, पर ऐसे कुछ पॉइंट है जो हमें याद करने जरूरी है, जैसे कि पालतू पशुओं या पक्षीगण जिनके जेंडर को स्पीकर महत्व प्रदान करता है उनके जेंडर के अनुसार मस्कुलिन या फिर फेमिनिन को पार्ट करते हैं। न्यूट्रल जेंडर के अंदर, न्यूट्रल जेंडर के अंदर एक नाउन है, तो नाउन क्या है? If speaker give importance to pets, birds and non living things then the gender of noun will be as per the things in which the speaker shows interest or importance, ठीक है? इसका मतलब क्या है? अगर स्पीकर है वो किसी नाम को इम्पोर्टेंस देता है, चाहे वो नाम नॉन लिविंग थिंग्स हो, बर्ड्स हो, उसके पेट्स हो, पालतू पशु हो, अगर वो उनमें उनको इम्पोर्टेंस देता है तो हम उन नाउंस का जेंडर डिसाइड करते हैं कि वो नाउन क्या है। अगर कोई बात करते हैं, अगर डॉग है ठीक है, और डॉग स्पीकर का पैट है, उसका पालतू जानवर है, ऑब्वियस बात है, अगर पैट होगा स्पीकर का उसमें इम्पोर्टेंस, उसके लिए वो डॉग स्पीकर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक डॉग क्या है, अगर इस डॉग एक मस्कुलिन है या फेमिनिन है, उसके अकॉर्डिंग हम इस डॉग का जेंडर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं ऐसे शिप की बात करते हैं ठीक है, या फिर बात करते हैं डॉग की, मान लो ठीक है, उसके बाद जो डॉग है जो मस्कुलिन है, तो हम इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो हम ही यूज ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसमें कहा गया है अगर स्पीकर क्या करता है, अगर स्पीकर अपने पालतू जानवर को इम्पोर्टेंस शो करता है तो हम उसका जेंडर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक डॉग है तो उसके लिए ही आएगा, अगर एक पिच है तो उसके लिए शी आएगा, ठीक है। वैसे शिप है, वैसे क्या है? शिप है। अगर शिप स्पीकर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसका उसका कुछ कनेक्शन है, कुछ इमोशनल कनेक्शन है, तो स्पीकर इसको शी में कर सकता है, ठीक है। तो स्पीकर इसका जेंडर है वो फेमिनिन दिखा सकता है, ठीक है। ये था कुछ इम्पोर्टेंट चीज न्यूट्रल जेंडर के अंदर, इसलिए मैंने इसको आपको नोट में लिखाया है क्योंकि ये जरूरी है, ओके। Let's move forward to the next noun. This is the first one, and the second one noun is not from the neutral gender, but rather it is from that part of speech called gender. Next जो अपना noun है, वो किसके लिए है? वो जो अपना gender बताते हैं, उसके लिए है, ना neutral gender के लिए,
ये जो नॉन है खाने जा रहा है, हर जगह काम आता है, हर जगह काम आएगा। सिर्फ न्यूट्रो जेंडर में नहीं, जेंडर का पूरा टॉपिक है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है अगर कोई ऐसा नाउन है, अगर कोई ऐसा नाउन है जिसका जेंडर क्या हो, जब अपन लिखते हैं, मान लो अपन ने लिखा गोट लिखा, ठीक है, तो गोट का जो जेंडर है जेंडर